हाय गाइस, मु चंदन आपनको स्वागत करुछि जाय कि मोर यूट्यूब चैनल जाय कि आपन माने मते जानिथिबे क्राक विथ चंदन सर। तो जोंथरे आमे ओडिया ग्रामर को डिस्कशन करूथले एंड दैट टू जाय कि आपन मानन को पई कि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक रहिबो एसओ पई कि जाय कि आपन माने जानिछंती एसओ रो नोटिफिकेशन आसी सारिछि जाय कि आपन 21st अगस्त रे हबो जाकि मु आपन मानको आगर मथ कहिथिली जे अगस्त 22nd रे जाकि एसओ हबो जाकि बहुत दिन पूर्वरु सो दैट या 21st ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसे सारी छै दैट टू आपन मानकर प्रिपरेशन मथ जोरदार स्टार्ट हे सारी छै जा मते जणा अछि सो दैट से प्रिपरेशन रे आउ टिके अधिक प्रिपरेशन जोडिबा पई कि ओडिया ग्रामर रे हमर ई प्रयास तबे जो माने भी सपोज कि ओडिया ग्रामर प्रैक्टिस करबा पई कि चाहू चंती से माने प्रथमे जोड़ी हे जानतु आपणकर जीएस गुरु चंदन सर टेलीग्राम चैनल माध्यम रे एंड दैट टू आफ्टर आपण व्हाट्सएप रे जोड़ी हे जानतु जोटा कि ग्रुप रे जो ग्रुप रे डेली बेसिस रे आपण को क्वेश्चन दिया जिवो जो क्वेश्चन रे डिस्कशन आपण पाई परबे वीडियो सॉल्यूशन माध्यम रे एंड याकू जॉइन करबा पई हले आपण को पेड करबा पई पड़िबो 300 रुपीस जोटा कि ओडिया एंड जीके परवर्त समय रे जाकि ई मास रो एंड रे जाकि हम जीके रो प्रैक्टिस मध्ये स्टार्ट करिवा सो जो ओडिया क्वेश्चन डिस्कशन करिवा पूर्वरु एहा मध्ये कहि रखे जदि आपण माने ऑन एकेडमी प्लेटफार्म रे अछंती ऑन एकेडमी प्लेटफार्म रे अछंती आउ जोटा कि आपणकर रहिछि सब्सक्रिप्शन प्राइस ओपीसी पाई कि 10% डिस्काउंट हो पार जोटि कि आपण जदि चंदन सर कोड यूज कर चंदन सर कोड यूज कर 10% डिस्काउंट हो पार इस सब्जेक्ट मटेरियल्स आपरेंगे दैट टू पेड ग्रुप डायरेक्टली आड हो पारे सो दैट जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन एटलिस्ट 3 months सब्सक्रिप्शन नापी ट्राए करूँ कहीं एग्जाम बहुत पाखर रही सो स्टार्ट करवा आम आज टॉपिक जहाँ कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ जहाँ कि आपण स्क्रीन रही कि छोट पाटी पेटेवा दृश्य अति मनोहर छोट पाटी पेटेवा दृश्य अति मनोहर तेरे ये पचारि जो पेटेवा अच्छी यह के प्रकार क्रिया ऑप्शन ए यह हूँ नाम धातु क्रिया अर्थात पेटेवा जदि आम पेटा कह छोट पिलार पेटा दृश्य अति मनोहर ताले एहा होची प्रयोजन धातु क्रिया एहा होची पेटेबा नाम धातु क्रिया तबे पेटेबा नाम धातु हो किंबा पेटा प्रयोजन धातु क्रिया हो दुईटी रो जदि आमे केऊ पदरु आसीथिबा कथा कहिबा ताले आपणकर आंसर रहइबो विशेष्य पदरु आसी अछि यार जदि आमे कहिबा मूल पद विशेष्यरु आसी अछि से विशेष्य होची पेट पेटरु पेटेबा पेटा ए सब आसी तेणु आंसर हूँ नाम धातु क्रिया विशेष्य पदर आसी अच्छी से विशेष्य पद हूँ पेट तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपणकर तहार गज परी चाली लोभनीय अटे तार गज परी चाली लोभनीय अटे जाकि यह क्यों प्रकार क्रिया अकर्मक सकर्मक दुई कर्मक तेरे जितेबले मु आपण को कर्म विषय पढ़े थी सब सर्वदा आपण को कही कौन एवं क्या जदि यही दुईटी क्वेश्चन रण को आंसर मिल जाए यही दुईटी क्वेश्चन रदि आपण को उत्तर मिल जाए तबे कौन क्वेश्चन जदि कौन क्वेश्चन जो आंसर मिली थाए आम मुख्य कर्म बोली कही था क्या क्वेश्चन रनसर में आम गौण कर्म पाई था तबे कौन एवं काहाकुर जदि आमे क्वेश्चन को उत्तर दे पारुछे सेठी आमे कर्म पाइबा जाको आमे सकर्मक कहिबा जदि कौन काहाकुर उत्तर मिलू नाही ताको आमे अकर्मक कहिबा जदि कौन काहाकु दुईटा आंसर मिलि जाउछि ताको आमे दुई कर्मक बोली कहिबा ओके अथवा वाक्य रे मुख्य थाउ किबा गौण थाउ जदि गोटिए कर्म भी अछि ताको आमे सकर्मक बोली कहिबा तबे तहारो कहा परी चाली जमीती कि आप देखिए कहा परी चाली
କାହାକୁ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବି କାହା ପରି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏହା ଚାଲି କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ସକର୍ମକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛେ ଏହା ଚାଲି କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, କାହା ପରି ଚାଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଅଟେ, ଅଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖୁ କ'ଣ ତାହାର ଗଜ ପରି ଚାଲି ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ ନା ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ, ତାର ଗଜ ପରି ଚାଲି ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛେ ତାର ଗଜ ପରି ଚାଲି କେମିତିଆ ଅଟେ ନା ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ, ତାହାର ଗଜ ପରି ଚାଲି କେମିତିକାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲୋଭନୀୟ। ତେବେ ଯଦି କି ଆମେ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛେ କି ସାର୍ ତାର ଗଜ ପରି ଚାଲି କ'ଣ ଅଟେ ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ, ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣକୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ଗଜ ପରି ଚାଲି କ'ଣ ଅଟେ ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ସରକୁ ଖୋଜିବେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଲୋଭନୀୟ ହେଉନି, ଗୋଟେ ଆକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କେମିତିଆ ମାନେ କେମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ନା ଲୋଭନୀୟ, ତାର ଗଜ କରିବା ଚାଲି ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ କେମିତିକା ନା ଲୋଭନୀୟ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଲୋଭ ସଦୃଶ। କ'ଣ ଆନ୍ସର ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ, ଏଠି କେମିତିକା ଆନ୍ସର, କେମିତିକା ସଦୃଶ ନା ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେମିତିର ଆନ୍ସର ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯଦି କେମିତି ଯଦି ଆନ୍ସର ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହା ସକର୍ମକ ନୁହେଁ, ଯାହା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଅକର୍ମକ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକର୍ମକ। ଓକେ, ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ସର୍ବଦା କ'ଣ ଅଟେ, ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ସର୍ବଦା କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡେଫିନେସନ ପଢ଼ାଯାଏ ଡେଫିନେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହୁଏତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ସେଇ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ କାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଉଥିବ ବା ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ବାପା ମୂଲିଆକୁ ଲଗେଇ ବିଲ ଚାଷ କଲେ, ତେବେ କାହାକୁ ଲଗେଇ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ମୂଲିଆ ଦ୍ୱାରା, ମା ଛୁଆକୁ ଭାତ ଖୁଆଉଛି, ମା କାହାକୁ ଭାତ ଖୁଆଉଛି ନା ମା ଦ୍ୱାରା ଭାତ ଖାଇବା କାମ ହେଉଛି କାହାକୁ ନା ଛୁଆକୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁଆଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଆଉ ଚାଷ କଲେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା, ସର୍ବଦା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି କାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ହେଉଛି, ଆମେ ଗତ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏହାକୁ ସକର୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ସକର୍ମକ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସକର୍ମକ। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ସକର୍ମକ ଅଟେ। ଦୁଇଟି କର୍ମ ବି ରହିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ କର୍ମକୁ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା କର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଥିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଭାତ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି କର୍ମ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଦୁଇ କର୍ମକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କର୍ମକ। ଏଇ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବଦା ଏହା ସକର୍ମକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କର୍ମ ସହିତ ଥିବ, ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣ ସକର୍ମକ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଥବା କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କେଉଁଠି ସକର୍ମକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅକର୍ମକ କଦାପି ନୁହେଁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ କେଉଁ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବାକୁ କେଉଁ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସମାପିକା ଅସମାପିକା ଏକକ ଏବଂ ଯୌଗ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକି କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତେବେ ସମାପିକା ଅସମାପିକା ଏକକ ଏବଂ ଯୌଗ କ୍ରିୟା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଏ, କ'ଣ କହୁଛି ନା ଛାତ୍ରଟି
छात्रटी विद्यालय को पाठ पढ़ी जाई भिकारीटी भिक मागी आसी तेबे जदि आपण देखिबे मु जो पढ़ी जाई बा मागी आसी आपण देखुछंती ताहले पढ़ीबा निमित्त छात्रटी कुआडे जाउछि ना विद्यालय को भिकारीटी तार भिक मागीबा निमित्त से भिक भिक्षा करुछि राम नाटक देखि आसी नाटक देखिबा निमित्त आसी तेणु जदि आम देखिबा निमित्त अर्थ को बुझौछि पढ़ी आसी मागी आसी देखी आसी ये सर्वदा को प्रकार क्रिया होता है ना असमापिका क्रिया होता है वाक्यर एग्जाम्पल देले आपण निश्चित भाव बुझिपारुछंती कि पढ़ी आ मागी एटी असमापिका क्रिया किंतु एभली भाव क्वेश्चन पचार दौछि कि स्थल विशेष निमित्त अर्थ रे बुझाइले केउ क्रिया व्यवहृत हुए आपण माइंड रे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाउछ किंतु जदि आपण ठीक जिनसटी को पढ़ी थे निश्चित भाव आंसर दे पारिबे कारण केतेबेले भी आपण को डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन पचारि पारे खाली जे एग्जांपल मन रखिले हबनि बेले बेले डेफिनेशन सहित मध्ये क्वेश्चन आसी थाय आपण प्रीवियस ईयर एस रे मध्ये देखिले जानि पारिबे तबे नेक्स्ट क्वेश्चन पचारुछि केउटी समश्रेणीय नुहे कौन केउटी समश्रेणीय नुहे कौन क्वेश्चन पचारला ना चोबाइबा धोइबा देबा एवं चमकिबा ताले क्रिया तो आमको देखा जाउछि एटी चोबाइबा धोइबा देबा चमकिबा किंतु एठी समश्रेणीय जतबळे आपण को क्रिया को नै पचारुछि प्रथमे आपण सकर्मक आउ अकर्मक या भितर तात्पर्य खोजिबे बा डिफरेंस को खोजिबे किए समश्रेणीय न होबा प्रथम ट्रिक सेकेंड ट्रिक होउछि मिश्र एवं अमिश्र यही दुईटी क्रिया भितर आपण डिफरेंस खोजिबे जे तीनोटी जांक क्रिया सकर्मक थाई गोटे अकर्मक हो पारे तीनोटी जांक मिश्र थाई गोटे अमिश्र हो पारे अर्थात सकर्मक अकर्मक किंबा मिश्र अमिश्र भितर सामंजस्य खोजिबे आपण निश्चित भाव आंसर पाइबे आउ कोनो जिनस को खोजिबे नाही तबे चोबाइबा धोइबा देबा चमकिबा ओके तबे केउटी समश्रेणीय नुह जदि आमे देखु आंसर ताले ऑप्शन डी होउची राइट आंसर जहा होउची अकर्मक अकर्मक कि सर चोबाइबा कौन ना कौन चोबाइबा कहा को चोबाइबार आंसर आपण पाइजिबे धोइबा कौन धोइबा कहा को धोइबा कौन देबा कहा को देबा आपण निश्चित भाव एटी सकर्मक पाउछन्थि किंतु चमकिबारे सर आमे जे चमकिबा देखु आमे जदि कहू से गच्छ को देखि किंबा से गच्छ देखि चमकि गला गच्छ देखि चमकि गला किंबा से अंधार रे भूत देखि चमकि गला आमे कहू जेतेबेले भी आपण चमकिबा कथा कहउछन्ति आपण डायरेक्ट चमकिबा कहउनांति आपण एटे देखि हौ किंबा गच्छ भाबि हौ आपण एभळि किछि जहाँकि असमापिका क्रिया मध्य लगाउछन्ति कल्पनात्मक क्रिया मध्य लगाउछन्ति जहाँकि डायरेक्ट लेखुनांति कि से गच्छ चमकिला से भूत चमकिला एमिति किछि लेखुनांति तेणु चमकिबा पूर्वरु कौन एवं कहा को आपण व्यवहार करि पारिबे नाही तेणु एहा होछि एक अकर्मक क्रिया नेक्स्ट होछि से तुम कथा शुणी से तुम कथा शुणी थाई पारे तेणु से रागिछि तेणु शुणी थाई पारे कही थाई पारे जाई थाई पारे ए सबु होछि पिले मिश्र क्रिया एबळ जदि केबे क्वेश्चन आसे शुणी थाई पारे कही थाई पारे जाई थाई पारे से तुमको खोजी थाई पारे ए सबुरे आपणकर माने जोटे कि तीनोटी शुणी पुणी थाई पुणी पारे दुई दुईटी जाकि आपणकर सहायक क्रिया सहित एक क्रिया लागि जदि एक रु एकाधिक मध्य क्रिया जोड़ी होउछि एहाको मिश्र क्रिया बोली कहा जाय था तेणु आपण एभळि जदि क्रिया पाउछन्ते सुनि थाई पारे कहि थाई पारे एटी आपण मिश्र क्रिया को आंसर देबे नेक्स्ट क्वेश्चन रहला 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर कहउछि जदि हम प्रीवियस क्वेश्चन ने आर आंसर दे दै छी
सहायक क्रिया लगे क्यों क्रिया होई थाए शुणी थाई पारे रे जदी दुई दुईटी सहायक क्रिया अछि तले सहायक क्रिया लगे क्यों क्रिया होई थाए सहायक क्रिया लगे मिश्र क्रिया ही होई थाए जस्ट प्रीवियस रे यार आंसर मध्ये मु कहि देली ओके सहायक क्रिया लगे मिश्र क्रिया होई थाए ओके ताले केमिति जदी मु एग्जांपल देबी सर गोटे एग्जांपल दियंतु सोइले या होछि आपणकर इले प्रत्यय शोबा सहित इले प्रत्यय लगे आग को पढ़े भी जोटा कि आपण क्वेश्चन अच्छी जे जो ल इल ब इब अंत सबीकरण क्रियापद आगे पढ़ा ये प्रत्यय लगे जहाँ कि जोड़ी होकर शोले क्रिया किंतु सी कौन सहायक क्रिया तो सहायक क्रिया कौन ना शयन कले शयन कले देख धातु हूँ क्रु धातु धातु हूँ क्रु धातु आए हूँ शयन क्रिया तेरे क्रु धातु करवा धातु आसला कले तेरे ये मध्य एक क्रिया ये मध्य एक क्रिया किंतु एठारे यह हूँ सहायक क्रिया शयन कले दुईट क्रिया मिश्री कौन हूँ ना मिश्र क्रिया हूँ ये क्रु धातु आसूच कौन ना कले तेनालीरु कले हूँ सहायक क्रिया और शयन हूँ मुख्य क्रिया तेना सहायक क्रिया लगे साधारण क्यों क्रिया होता है मिश्र क्रिया होता है ओके नेक्स्ट एमान भितर क्योंटी अपूर्ण धातु अटे एमान भितर क्योंटी अपूर्ण धातु अर्थात वाक्य व्यवहार हो जहाँकि वाक्य व्यवहृत हो यह अपूर्ण धातु बा अपूर्ण भाव को प्रकाश करे पूर्ण भाव को प्रकाश करे ना अपूर्ण धातु तबे अपूर्ण माने भावर अर्थ कौन माने से क्रियाटे व्यवहार हो जहाँकि सर्वदा सब काल सहित व्यवहार हुए ना सब काल सहित से आम अपूर्ण धातु बोली कहे कौन कहले अपूर्ण धातु ना जे बा जो क्रिया सबु काल पुरुष सहित काल पुरुष सहित काल कमा पुरुष सहित व्यवहार्य नुहे व्यवहार्य नुहे ताहाकु अपूर्ण धातु क्रिया बोली कहंती तेबे एमानंक भीतर आंसर होची ऑप्शन सी अच ताहले केमिति ना जदि आमे पद धातु कहिबा आपण सबु काल को नेले आपण कही पारिबे पड़िब पड़िला पद धातु पड़िबा धातु जो पड़िबा क्रिया कहउछंती ता पद धातु आसेछि पथ तबे पड़िब पड़िला पड़िछि तो जेते भी आपणकर टेंस रहिछि बा काल रहिछि आपणकर अतीत वर्तमान भविष्य सबुथरे आपण पथ को व्यवहार करि पारुछंती गड को मध्य गढ़िला गढ़िब गढ़िला जहाँ भी आपण तीनोटि प्रकार जो काल रही व्यवहृत करेंगे मृ हूँ मृत्यु बा मरीबा मरीबा मरीला मरुची जहाँ भी आपण कही पारे कौन से प्रकार भूल हेबो नहीं वाक्य किंतु आपण अच को देखंतु अच को देखंतु आपण केबे भी अतीत काल सर्वदा अच को आपण वर्तमान काल रे व्यवहार करंतु देखंतु अच्छी केते बले भी आपण अच्छी ब कहते कि भविष्य काल पाई कि अच्छी ब कहते एमती कौन सी क्रिया अच्छी केबे भी नहीं यदि आपण पास्ट टेंस पाई कि व्यवहार करुछंती अच्छीला कहउछंती केबे भी एमती सुनि नथिबे तेनु अच होउछि एइभळी एक धातु क्रिया जहाँ कि सर्वदा वर्तमान काल रे ही व्यवहृत होइथाय सर्वदा वर्तमान काल रे ही व्यवहार होइथाय आउ कौनसी काल रे या व्यवहृत होई पारे नाही तनु अच होची अपूर्ण धातु क्रिया आउ समस्त अछंती पूर्ण धातु क्रिया आशा करछु बुझि पारथिबे नेक्स्ट होची ओडिया व्याकरण रे केते गोटी सबीकरण क्रियापद रहिछे सबीकरण क्रियापद रहिछे बा जाको आमे सबीकरण बा विकरण क्रियापद बोली कहिताउ कहा भीतर ना धातु प्रत्यय एवं धातु प्रत्यय बा शब्द शब्द धातु शब्द एवं धातु यह मिसी
जहाँकि कौन होता है ना विकरण बा सबीकरण क्रियापद करता है विकरण बा करणीय पद ताले केमिति अनुटा कि आपणकर धातु केउं धातुरु आसी अछि ता सहित सहित सबीकरण क्रियापद जहाँकि आपणकर पांचटी रहिछि किंतु मु कहिबिनी प्रीवियस आसंता क्वेश्चन बा नेक्स्ट क्वेश्चन ने पचरा जाय सबीकरण क्रियापद विषय तुम कौन कौन अछि मु कहिबिनी नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहिबि तुम पांचटी सबीकरण क्रियापद रहिछि सबीकरण क्रियापद पांचटी रहिछि तबे अगेन कहि रखुछि ये सब जाक जी मुझे एमसीक्यू डिस्कशन करुच्ची आहुरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपन पाई परिबे जाकि ऑन एकेडमी प्लेटफॉर्म रे ओडिया ग्रामर प्लस क्लास तेणु जो माने भी एठी प्लेटफॉर्म रे देखुचंती जदि आहुरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पाई चाहुचंती ऑन एकेडमी प्लेटफॉर्म सहित जोड़ी हुंतु चंदन सर कोड यूज करी प्लस को आसंतु जोटि आपनकु 10% डिस्काउंट मिली परिबो या सहित सहित अनेक गुडिया फैसिलिटी मिली परिबो जाकि मते आपन कांटेक्ट करि नेले मो नंबर मते फर्स्ट क्लास रे दिया जाइछि क्लास रो फर्स्ट स्लाइड रे मा आपन मते डायरेक्टली कांटेक्ट करि परिबे एंड इंक्लूडिंग जीके रो सब बा जे कोनोसी भी सब्जेक्ट नाही जार के मटेरियल मते मो पाके नाही जाकि आपनकु सब मटेरियल मते प्रोवाइड करि परिबे दैट टू आपनकु कॉल करिया पाई पडिबो सब्सक्रिप्शन नेबा पाई पडिबो ऑन एकेडमी रे एटलीस्ट एसओ पाई के 3 मास रो सब्सक्रिप्शन नियंतु बहुत ही बेटर बा बहुत ही फायदा हबो तबे नेक्स्ट रही छि केउटी सबीकरण क्रियापद नु जस्ट मु कहौतिली तबे सबीकरण क्रियापद होउछि इल ल इब ब एवं अंत ए पांचोटी होउछि सबीकरण क्रियापद इल ल इब ब अंत तबे ब अछि अंत अछि इल अछि इब अब नुहे बरंग इब तेणु आंसर होची ऑप्शन ए अब ए पांचटी होची सबीकरण क्रियापद प्रीवियस ईयर ए सर मध्य ए क्वेश्चन आसे जे आपण देखि नेबे से सेइट थिला चोरी करी थाई पारे करी थाई पारे ताले क्रिया सहित सहायक क्रिया लागिला तेणु क्रिया सहित एकरु एकाधिक सहायक क्रिया लागिले या केउ क्रिया होइथाय मिश्र क्रिया होइथाय तबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिला पूरी रे रथ कार्य चालू थिबो पूरी रे रथ कार्य चालू थिबो जाकि अक्षय तृतीया रो आरंभ होई रथ कार्य चालू छि बोली कि आमे यदि याको कोरोना करा जाउ छि ए क्रिया रो काल कोन ए क्रिया केउ काल को बुझाय ऑप्शन बी जहा होछि आपनकर आनुमानिक वर्तमान यदि आमे कहू छे से दौड़ अछि खाल ए गोटिए क्वेश्चन ने कहिबि सबथरे बुझैबि नाही तले असंभावना वर्तमान होछि जहा होछि से दौड़ अछि से दौड़ अछि जहा होछि असंपन्न वर्तमान यदि मु कहू छि डिफरेंस कौन जेतु आपन काल विषय डिफरेंस जानि परिम कि सर काहे कि रथ कार्य चलु जे संभाव्य वर्तमान हबनि सेति पई कि मु आपन को बुझौ छि असंपन्न वर्तमान होछि जहा संपन्न होइनि बा शेष होइ नाही से दौड़ अछि तार डेस्टिन रे से पहुंचि नाही तनो असंपन्न वर्तमान दौड़बा कार्य चली छि किनो संपन्न होइ नाही असंपन्न वर्तमान अनुमानिक वर्तमान जोटा हूँ रथ कार्य चालू थी मुझे ये रही अनुमान करुच्चे पूरी में बोधे रथ कार्य चालू थी रही कि अनुमान करुच्छे तबे जदि आम संभाव्य वर्तमान कथा कहे संभाव्य वर्तमान जे कौन कौच ना जदि संभाव्य वर्तमान कौन कहे वर्तमान काल जब कह ना जदि मु घरे थांती जदि मु घरे थांती एत बेलू घरे खाइबा हेउ थांता किबा जदि मु एबे गाँव रे थांती धान कटा हेउ थांता जदि मु एबे भुवनेश्वर रे थांती एबे आमे मूवी देखिबा को जाई थांतु ओजे संभाव्य वर्तमान नित्य प्रवृत्त वर्तमान जहा कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिगरे उदय हुए या होचे नित्य प्रवृत्त वर्तमान यूनिवर्सल ट्रुथ तबे आंसर तो आपन को दिया सरथिबो अनुमानिक वर्तमान तबे राम आज सकाळे गुरु को भेटिला राम आज सकाळे गुरु को भेटिला क्रियार काल कोन अद्यतन भूत अनद्यतन भूत वर्तमान सामीप्य भूत असंपन्न भूत ऑप्शन ए होचे राइट आंसर अद्यतन भूत कौन ना भेटी सारी भेटा कार्य सरी जा बहुत पाखरे सरी बहुत ही कन्फ्यूजन रही था पिलांकर
अद्यतन भूत एवं वर्तमान सामीप्य भूत एवं असंपन्न भूत भितर अनद्यतन भूत किसी डिफिकल्ट लगे कहीं गोपबंधु दरिद्रंकर बंधु थिले गोपबंधु सुवान रे जन्मग्रहण करथिले पुरी रे बहुत दिन बहुत विगत दिन घटना अनद्यतन भूत तेरे अद्यतन हूँ फ्रेश पखापाखी अतीत तेरे वर्तमान सामीप्य हूँ कौन ना से परीक्षा दे जाइछि परीक्षा दे जाइछि जेउटी गोटे पटर तो जाइछि किंतु आउ गोटे पटर काम सरी नाही आउ गोटे पटर काम सरी नाही तनु वर्तमान सामीप्य भूत ये माने वर्तमान ए जगह रु पळै जाइछि किंतु अन्य जगह रे तार कार्य समाप्त होइनि किंतु अद्यतन भूतर डिफरेंस कोन ना से गुरु को भेटिछि सकाळे भूटि माने भेटिछि किंतु ये वर्तमान सामीप्य ठारु आउ टिके पूर्वरु माने ये गोटे माने मु सकाळे कहिबार अर्थ कोन वर्तमान गाधुआळ समय किंबा राति संध्या समय किंबा राति समय सेति पई बोली मु सकाळे कहूछि ना आ मु सकाळे थोड़ी ना रहिकिरि सकाळे कहि थांदि कि तेणु गोटाए ओली पार हेछि बोली मु सकाळे कहूछि ना आ वर्तमान सामीप्य कोन ना से एबे एबे परीक्षा एसे एबे परीक्षा दबा जाइछि माने सांगे सांगे जाकि सांगे सांगे जाइछे किंतु सेपटरे से पहुंचीछे कि तार परीक्षा सरीछे ता विषय हमको ज्ञात नाही तनो अद्यतन भूत होउछि जाकि कार्य भेटिबा कार्य सरी जाइछे एपटरे परीक्षा कार्य देबा सरी नाही आउ सांगे सांगे कामटी होइछे याको कोन कह जाय वर्तमान सामीप्य भूत आउ आको कह जाय अद्यतन भूत तनो आपनकर आंसर होउछि अद्यतन भूत असंपन्न भूत कोन ना तू कौन अरे खाया पीवा है जाइल से हाँ मुझे कौन से भात फुटुला हब असंपन्न भूत माने भात फुटुला से जगह कंटिन्यू अच्छी संपूर्ण होना कि तुम्हें आस जनक आगे कह जो भात फुटुला बोल अतीत काल ला लगौ कि असंपन्न अच्छी संपन्न होना भात फुटुला ସେମାନେ ସେଠି କଥା ହେଉଥିଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ ଅତୀତରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଆଜି ବି ତମେ ସେୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ ଏହାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅନ୍ୟକାଟିଭ୍ର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ସପୋଜ୍ ମୋର ବଜାର ଗୋଟେ କେଉଁ ବଜାର କଥା କହୁଛି ମୁଁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଗଲା ଏଇ ରବିବାର ମାସ ଯେଉଁ ଶେଷ ରବିବାର ଗଲା ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାକୁ ଆନୁମାନିକ ଭୂତ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ ସହିତ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଯାଏ କାହିଁକି ସାର୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ ନୁହେଁ ଓକେ ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆନୁମାନିକ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବୋଧେ ହେଇଥିବ ଗତ ରବିବାର ବୋଧେ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବେ ଆନୁମାନିକ ଭୂତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଯଦି ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ତମେ ଯଦି ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ଏସ ହୋଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଡେଷ୍ଟିନିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାତ୍ର ଯଦି ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ଏସ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ପଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟକୁ ନେଇକି କହୁଛି ଯଦି ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ନା ତମେ ଏସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଏଇ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ ଭୂତ ବି ଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବି ଅଛି ଭଲ ପଢ଼ିବାଟା ଅତୀତରେ ଅଛି ଏସ ହୋଇଥାନ୍ତ ଯାହାକି ଏସ ସରିଯାଇଛି ଏସ ମାନେ ସରିଯାଇଛି ଏସବୁ ବାହାରିକିରି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ଏସ ହୋଇଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ଏକ ସମ୍ଭାବନା କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭୂତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝେଇବାର ନାହିଁ କାରଣ ନିତିଦିନିଆ କଥା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ନାହିଁ ମୌସୁମୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏତେବେଳକୁ ବହୁତ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବାସ୍ ଏହାକୁ କହିଲେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରାଗ୍ ଭୂତ ହେଉଛି ଯାହାକି ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରାମ କାଲି ଗାଁକୁ ରାମ ଗତକାଲି ଗାଁକୁ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ହରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ପ୍ରାଗ୍ଭୂତ
आंसर हूँ आनुमानिक उत्तर। का सका मुंग घरे थी ताले क्रियार कालटी कौन विशुद्ध भविष्य प्राग भविष्य संभाव्य भविष्य असंपन्न भविष्य। काली सकाळे सकाळ को मु सांग घरे थी तार आंसर होची ऑप्शन डी असंपन्न भविष्य। मु काली सांग घरे थी संपूर्ण थी जाकि असंपन्न भविष्य संपन्न होइनी भविष्य जाकि मु सांग घरे थी एत बेलू सांग घरे थी असंपन्न भविष्य संपन्न होइनी कार्य मु फेरिनी जाकि मु एते बेलू आम सांग घरे थी बोलिकि एक अनुमान करूचे जहाँ को आम अनुमान कहूचे अतीत आ वर्तमान रे ताकू भविष्य में असंपन्न भविष्य बोली कह जाए अनुमान करते बेलू आम सांग घरे थी जोटि की भविष्य में अनुमानिक भविष्य ना तेणु आपको असंपन्न भविष्य कह जाए बुझिपारे। तो विशुद्ध भविष्य कौन से व्याकरण पढ़व कि से इतिहास पढ़व यह हूँ विशुद्ध भविष्य। प्राग भविष्य सेमती जनक पूर्व जड़े आसी पहुँच खाई सारी से खाइब ता पूर्व जे कि बोधे ये अलग जन किए खाई सारी अर्थात मान जनक पूर्व जड़े कार्यटी को समाप्त कर प्राग भविष्य संभाव्य भविष्य हूँ जदि भल वर्षा हूँ ताल धान भल हूँ जदि भल वर्षा हुए ताल धान भल हो बुझिपारे। प्राग भविष्य हूँ जे राम आसब ता पूर्व बोधे हरि आसी पहुँची जीव दिन जन भविष्य दुई जन भविष्य जन पर जड़े तेज नेक्स्ट हूँ खस क्रियार मूल धातु टी देखने खस क्रियार मूल धातु हूँ स्थल खब कि घ्रुस कि ख्रू नुहे स्थल हूँ खसवा धातुर मूल धातु। क्यों क्रिया समश्रेणीय नुहे शयन करवा वर्धित होगा उदय होगा आदाय करवा आदाय करवा देखु शयन क्रियार अमिश्र रूप हूँ शोवा वर्धित होवार बढ़ा हूँ अमिश्र उदय हूँ उइबा किंतु आदाय करिवार आदिबा हेबो नाही। आदाय करिवा सर्वदा मिश्र क्रिया रूपे व्यवहार होता है आदाय करिवा सर्वदा मिश्र क्रिया केतबेले भी आपण आदिबा आदुला एमिति कहि परिबे नाही। आदाय करिवा होची सर्वदा या मिश्र क्रिया रूपे व्यवहार होता है किंतु एई जो तीनोटी क्रिया अछि ये मिश्र अमिश्र सब क्रिया रे व्यवहार होता है तेणु आदाय करिवा सब क्रिया थारु डिफरेंस रहिछि वाक्य रे एई क्वेश्चन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ क्रियापद संपन्न और असंपन्न भाव प्रकाश पाई क्यों प्रत्यय व्यवहार हुए ना आ प्रत्यय व्यवहार हुए ना ई एवं उ संपन्न एवं असंपन्न भाव प्रकाश पाई प्रत्यय दुईट जाक व्यवहार करा जाए क्रियापद गोटे हूँ ई गोटे हूँ उ ई हूँ आपणकर संपन्न भाव पाई आज आपणकर असंपन्न भाव पाई ये दुईट जाक प्रत्यय जहाँकि संपन्न एवं असंपन्न भाव प्रकाश पाई क्रियापद व्यवहृत होता खाई खाऊला संपन्न असंपन्न भाव असमापिका क्रिया नुहे संपन्न एवं असंपन्न भाव प्रकाश करु था किए ई एवं उ तबे आंसर हूँ आपणकर आ बोली कौन सी संपन्न असंपन्न भाव प्रकाश पाई प्रत्यय व्यवहार हुए ना। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही राम धीरे धीरे भल पाठ पढ़िलाणी राम धीरे धीरे भल पाठ पढ़िलाणी तेबे धीरे धीरे एठारे कौन आपण को लागी पारे कि धीरे धीरे बोध हुए दुई थर रिपीट होइछि आउ आपण को पचारिछि क्रिया बोली तो सर्वदा भूल आपण कन्फ्यूजन पकेबा पई कि ए क्वेश्चन बा ए प्रयास मोर जे धीरे धीरे दुई थर रिपीट होइछि त तेणुकरि असमापिका क्रिया काले हबो कदापि नुहे आंसर होउछि कौनसीटि नुहे ये धीरे धीरे होउछि एठारे विशेषण धीर एक क्रिया नुहे धीरे जीवा धीरे धीरे कहवा एक विशेषण पद के भी क्रिया नुहे जीवार बा क्रिया को विशेषित करे बोली ताको क्रिया विशेषण कहवा जदि विशेषण को विशेषित करूबा जदि विशेष को विशेषित करूबा नाम विशेषण कहवा जदि विशेषण को विशेषित करूबे विशेषण विशेषण बोली कहवा तेल एटी भल हूँ विशेषण ताको आहुरी विशेषित करुच्ची किए ना धीरे धीरे तेणु विशेषण विशेषण बोली कही पार किंतु कौन से असमापिका क्रिया नुह धीरे धीरे केबे भी एक क्रिया नुहे यह एक विशेषण पद। तेबे एमानंक भितरु केउटी एकक क्रियाटीए
एकक क्रिया जहाँकि कौन प्रत्यय सहित जोड़ी हुए ना कौन प्रत्यय सहित जोड़ी हुई क्रिया हुए ना जमी शोवा सहित गोटे काल को दर्शाऊ प्रत्यय जोड़ी हो इली प्रत्यय जोड़ी हो इबा प्रत्यय जोड़ी हो ये हूँ मार हूँ एकक ताकु मार अर्थात यह हूँ एक एकक क्रिया ओके तबे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही उड़ता चढ़ईर पर गणी देवा लोक से उड़ता चढ़ईर पर गणी देवा लोक से तेरे ये उड़ता हूँ कौन ना जहाँकि समापिका क्रियापद समापिका क्रिया विशेष्य पद ना समापिका क्रियाजुक्त विशेषण पद ना क्रियाज विशेषण आंसर हूँ आप क्रियाज विशेषण बा क्रियारु उत्पन्न होता विशेषण उड़ता चढ़ई रणी देवा पिला अर्थात उड़ता चढ़ई एटी कौन सी उड़ीबा चढ़ई कथा कह जाए बर एक चालाक चतुर पिलार उद्देश्य कह जाए तेरे चालाक चतुर पिला हूँ एक विशेषण भाव को परिप्रकाश करुच्ची तेनाली जो उड़ीबा जो क्रिया अच्छी एथर उत्पन्न हो विशेषण पद उड़ीबा क्रिया रु जहाँकि उड़ता उत्पन्न हो तेणु ये उत्पन्न होगा जो एटी क्रियार जन्म बोली क्रिया ज विशेषण बोली कह ऑप्शन डी हूँ आप राइट आंसर तेरे आशा करुच्छे समस्ते बुझीपारी तबे एगेन कही रखुच्छी जो मैंने भी प्लस सब्सक्रिप्शन नेबापाई की चाहूँगी अन एकाडेमी 10% डिस्काउंट पाई इंडिविजुअल मटेरियल्स मो सहित कनसल्ट कर प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ओडियार कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन आप थियोरी ये तो आप प्राक्टिस करुँचे थियोरी क्लास आप जिके ओडियार रिजनिंग जहाँ जहाँ टॉपिक मुझे अन एकाडेमी पढ़े आपरेंगे सब्सक्रिप्शन नापर यह सब जिन प्लस तेनाली सब्सक्रिप्शन नाक आप चंदन सार कोड यूज करने को बिल्कुल भूलिए कि ओडिया ये ग्रुप जॉइन होगापाई की चाहूंट कौन से डाउट क्लीयर पाई आप 300 रजिस्ट्रेशन फीस रोचे जोटी आप टिल एसओ पर्यंत अर्थात अगस्ट 21 पर्यंत ये ग्रुप मध्यम जोड़ी हो पारे तेनाली पर्यटन देखु था कि आपंकर क्राक विथ चंदन सार जहाँकि मोर चैनल रही आपंकी आउ दैट टू जो मैंने भी सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने ढेर सारा लाइक देते कमेंट देते जहाद्वारा कि आहरी हसला बढ़ आहरी सुंदर सुंदर क्लास प्रोवाइड करनी तेना थैंक यू वेरी मच देखा निश्चिंत भाव अन्य एक क्लास आहुरी बहुत गुड क्वेश्चन को नहीं से देखु था क्राक विथ चंदन सार।